हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वी हैव स्टडी आउट इन प्रीवियस वीडियो नाउन पार्ट ऑफ स्पीच एंड देन नाउन। लेट अस स्टडी अबाउट पर्सनल प्रोनाउन एंड प्रोनाउन इट्स टाइप्स। प्रोनाउन क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है, इस वीडियो में हम ये आप जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं और उनमें कौन कौन से शब्द आते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, उसको पहचानते कैसे हैं, कितने टाइप होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। मींस सेकंड डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। अर्थात कहने की इन वर्डों का ये शब्द अर्थ है कि सर्वनाम हुआ है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम शब्द क्या करता है, संज्ञा को रिप्लेस करता है, यानी उसके स्थान से हटाकर वो खुद को सब्स्टिट्यूट हो जाता है। एग्जाम्पल, आई वी यू ही हू डैट हिमसेल्फ माई एटेस्ट्रा। ये जो है एग्जाम्पल है प्रोनाउन के। देयर आर 11 टाइप ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पे जो हमने आपको 11 टाइप के बारे में बताया है प्रोनाउन को, जो निम्न है, यानी नीचे हमने बता रखा है। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन, इसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में, जिसमें निम्न वर्ड जो है आते हैं इंग्लिश में, जिसमें निम्न वर्ड आते हैं। फर्स्ट, I, you, we, he, she, it, they, me, us, him, her, them, etc. ये वर्ड जो है आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उसके बाद है पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम, जिसमें जो है माइन, योर्स, हर, हिज, आवर्स, एटेक्ट्रा इत्यादि शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन के लिए, अधिकारवाचक सर्वनाम के लिए। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है हमें जो है ये बताता है, संकेत करता है, संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी संकेत वाचक सर्वनाम, इसको इंग्लिश में जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनमें जो है चार वर्ड आते हैं, दीज, दोज, दिस, दैट, एटेट्रा, और भी कई शब्द हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। इनमें से चार प्रमुख हैं, दिस, दोज, दिस, दैट, ये जो है हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। नेक्स्ट है डेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम निश्चय सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम जो किसी भी वस्तु निश्चित के बारे में बताते हैं, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, एटेस्ट्रा, ये इसके एग्जांपल्स में आते हैं। नेक्स्ट है इंडेफिनेट प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको जो है सब्जेक्ट को निश्चित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। समवन, एनीवन, एवरीवन, एनीबॉडी, समथिंग, नथिंग, एटेस्ट्रा आदि वर्ड जो है इंटरगेटिव प्रोनाउन में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरगेटिव प्रोनाउन, हुम, व्हाट, हुम, विच, हुज, व्हाट एवर, एटेक्स्ट्रा, यानी इंटरगेटिव प्रोनाउन जो है आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने का काम करता है, इसलिए इसे इंटरगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनमें जो हुम, व्हाट, हुम, विच, हुज, व्हाट एवर, एटेक्स्ट्रा आदि सब वर्ड जो है आते हैं, जो हमारे इंटरगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हू, विच, डैट, हुम, वेन, एटेस्ट्रा आदि वर्ड आते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो दो शब्दों के बीच का संबंध बताने का काम करता है, किसी भी वाक्य में दो शब्दों के बीच में क्या संबंध है वहाँ पे बताने का काम जो है रिलेटिव प्रोनाउन करता है। एग्जाम्पल ग्रुप में, द बॉय हू स्टोल माई पेन। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये जो है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसमें जो है एक्शन जो होता है वह जो है सब्जेक्ट खुद ही रिसीव करता है, इसमें एक्शन जो है सब्जेक्ट खुद ही रिसीव करता है, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, इसमें उसने स्वयं को घायल कर लिया। नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन, इसे हम कहते हैं दृढ़वाचक सर्वनाम या बलदायक सर्वनाम। इसमें जो निम्न वर्ड आते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ,
देमसेल्फ। यह जो है एक्शन को रिसीव करता है, सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करता है, लेकिन थोड़ा सा जो है ऑब्जेक्ट से परे होता है, यानी थोड़ा ऑब्जेक्ट पे भी असर होता है। एग्जाम्पल में ही कंप्लीट हिज वर्क हिमसेल्फ। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच आइदर नाइदर एवरी एटीसी, इसे हिंदी में जो वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं, वितरणवाचक सर्वनाम या विभागवाचक सर्वनाम, इसमें जो है ईच आइदर नाइदर एवरी एटेक्स्ट्रा आदि शब्द आते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ईच बॉय कैन पार्टिसिपेट इन दिस कंसर्ट। नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसे हम कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम, परस्पर वाचक सर्वनाम इसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इनमें जो ईच अदर वन अदर आते हैं, इसमें जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में जो है समानता का भाव, मेल का भाव बताना काम करता है, इसलिए जो है परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें दो शब्द आते हैं ईच अदर वन अदर। नेक्स्ट एंदर भी आते हैं, इतिहास शब्द जो है हमारा जो है प्रयोग किए जाते हैं इन 11 टाइप में। नाउ वी स्टडी अबाउट पर्सनल प्रोनाउन एंड इट्स टाइप। अब नेक्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन और इसके प्रकार। पर्सनल प्रोनाउन, इसको हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है, इसको जो पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इज यूज रेफर अ पर्सन प्लेस एनिमल आर थिंग। पर्सनल प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति वस्तु वस्तु या स्थान के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, या हम ये बोल सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन इज वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ प्रॉपर नाउन, या व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को जो हम क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक पुरुष कहते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन के पर स्थान पर जो प्रयुक्त जो शब्द किए जाते हैं उसी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स आई यू वी ही इट एटेक्स्ट्रा, ये जो हमारे क्या हैं प्रॉपर पर्सनल प्रोनाउंस हैं। देर आर थ्री टाइप ऑफ पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो तीन प्रकार के या इसके तीन पुरुष होते हैं जो निम्न हैं। फर्स्ट पर्सन, इट इज यूज वाइल रेफरिंग टू द स्पीकर आर राइटर ऑफ द सेंटेंस। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी प्रथम पुरुष सर्वनाम जो ये बताने काम करता है या ये बताने काम करता है कि किसी सेंटेंस में स्पीकर कौन है या लिखने वाला कौन है, अर्थात राइटर कौन है या स्पीकर कौन है। इट रेफर टू द स्पीकर, यह जो है स्पीकर को रेफर करता है। एग्जाम्पल्स आई मी वी अस, ये वर्ड जो है हमारे आते हैं फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। नेक्स्ट सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, इट इज यूज वाइल रेफरिंग टू द लिसनर आर रिसीवर टू द सेंटेंस आर इट रेफर टू द पर्सन बींग स्पोकन टू इन द सेंटेंस। सेकेंड पर्सन जिसे द्वितीय या मध्य पुरुष कहते हैं, मध्य पुरुष सर्वनाम, यह जो है सेंटेंस में लिसनर या रिसीवर होता है, सेंटेंस को लिसनर या रिसीवर के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी को जो हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, या जिससे बात की जाती है उसी को जो है सेकेंड पर्सन कहते हैं। और फर्स्ट पर्सन जो बात कहने वाला होता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और जिससे बात की जाती है उसे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल यू, यार इसमें जो है ओनली एक ही सब वर्ड आता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज वाइल रेफरिंग टू समवन बिसाइड द स्पीकर एंड लिसनर आर इट रेफर टू द स्पीकर इज रेफर टू द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ इन द सेंटेंस। यह जो उस व्यक्तियों की बात बता रहे कर देता है स्पीकर और लिसनर जिसके बारे में बात करते हैं, यानी इनके अतिरिक्त लिसनर और स्पीकर के अतिरिक्त जो वाक्य में शब्द होता है, जो वाक्य में प्रोनाउन होता है वही जो है हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, या जो बात करने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाता है, जो बात सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है, जिसके बारे में बात की जाती है उसे जो है हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। इसलिए यहाँ बताया गया है कि इट रेफर टू पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ इन द सेंटेंस।
एंड जिसके बारे में, जिस पर्सन के बारे में बात किया जाए उसी को हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स ही, हिम, सी, हर, दे, देम। ये शब्द जो है हमारे जितना भी है इनमें जो है हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में बताया है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कितने पर्सन होते हैं एटेक्स्ट्रा, इसके बारे में हमने आपको डिटेल जानकारी दी है। सो आप वीडियो को जो है बस सबसे पहले जो है बस करिए, उसके बाद इसे रीड करिए और नोट करिए, जिससे जो आपको आसानी से जो समझने में मदद मिलेगी कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, किसको जो हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, किसको सेकंड पर्सन कहते हैं, किसको थर्ड पर्सन कहते हैं। एक बार हम रिपीट और कर देते हैं, जो बात करने वाला होता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जिससे बात की जाती है उसे सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाता है उसे जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं इत्यादि। एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा वह है जो सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ये 11 प्रकार के होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें आई, यू, वी, ही, सी, इट इत्यादि वर्ड आते हैं। पार्टिसिपल प्रोनाउन माइन, योर, हर, हिज, आवर शब्द आते हैं। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो संकेत करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे संकेतवाचक कहते हैं, दिस, दोस, दैट आते हैं। डेफिनिट प्रोनाउन जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें आई, ही, सी, इट इत्यादि आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट को इंडेफिनिट नहीं कर पाता, निश्चय नहीं कर पाता, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें सम वन, एनी वन, एवरी वन, वन बॉडी, समथिंग स्टार्ट आते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन से जो प्रश्न पूछने के काम करते हैं, इसलिए इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं, हु, व्हाट, हुम, व्हिच आदि आते हैं। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन जो संबंध बताने का काम करता है, इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, हु, व्हिच, दैट, दोज, हुम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह जो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया, स्वयं किया। इंटेंसिव और इंफेटिव प्रोनाउन, इसमें जो है ये बताया जाता है कि दृढ़वाचक बलदायक कि सब्जेक्ट ही जो है कोई कार्य किया तो सब्जेक्ट ही ने किया या किसी और ने किया, यानी सब्जेक्ट ने ही काम किया है या फिर ऑब्जेक्ट ने काम किया है, ये बताने के लिए इम्फेटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर सब्जेक्ट कोई कार्य करता है उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें जो वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसमें जो ईच, आइदर, नाइदर आदि का प्रयोग किया जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसे परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें ईच अदर, वन अदर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सो हमने आपको नेक्स्ट अभी कुछ समय पहले जो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था, पर्सनल प्रोनाउन वह होता है जो प्रॉपर नाउन के प्रयोग प्रॉपर नाउन के स्थान प्रयोग किए जाते हैं, जो तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वह होता है जो कहने वाला होता है, जिसमें आई, वी, मी और अस आते हैं। सेकंड पर्सन में जो यू आता है, जिससे बात की जाती है। थर्ड पर्सन में जो ही, सी, इट, दे आदि शब्द आते हैं, जिनके बारे में बात कम करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, उसके बाद डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। सो आप अपने हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।